वह चेहरा कहानी में लेखक ने अपने यात्रा वर्णन को एक मार्मिक कहानी का रूप दिया है। लेखक कहते हैं कि वे एक बार भाषण देने के लिए तीर्थहल्ली गए थे। भाषण के बाद लेखक के एक मित्र, जिनका नाम अरसु है, के साथ विश्व प्रसिद्ध आगोम्बे का सूर्यास्त देखने भी गए। वहां जाने के लिए तीर्थहल्ली के रहने वाले लेखक के एक अन्य मित्र विश्वनाथ की कार से गए और विश्वनाथ ही कार भी चला रहे थे। साथ ही तीर्थहल्ली के दो चार मित्र और भी हो लिए। यात्रा शुरू हुई तो वे खाने पीने की सभी चीज़ों की व्यवस्था करके चले और खूब गपशप करते जा रहे थे। तीर्थहल्ली से आगोम्बे जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, लेकिन रास्ते भर धूल भी बहुत ज़्यादा थी। धूल की बात ना करें तो हरियाली, गुफाएं, पहाड़, सुपारी के बाग, रंग बिरंगे फूल पौधे हर पथिक का मन मोह लेते। प्रकृति का ऐसा सुंदर रूप मानो कोई कविता कामिनी हो। यहाँ हम कविता कामिनी का अर्थ इस प्रकार समझेंगे कि जिस प्रकार कवि अपनी कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य की कल्पना करता है और वह कल्पना यहाँ मानो साकार हो रही है, इसलिए लेखक ने इस दृश्य को, इस स्थान को कविता कामिनी कहा है। प्रकृति की वास्तविक सुंदरता आंखों से देख रहे हैं या कविता करने के लिए यह दृश्य प्रेरित करेगा। आगे हम देखते हैं कि लेखक लेकिन इस अपूर्व सौंदर्य का आनंद उठाने में यहाँ की लाल मिट्टी की धूल बाधा दे रही थी, मानो प्रकृति के सौंदर्य साधना में तपस्या भंग कर रही हो। अर्थात लेखक ने पुराण कथा का संदर्भ देते हुए कहा है कि जैसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनका आ गई थी, वैसे ही प्रकृति के सौंदर्य का पान करने में लाल मिट्टी की धूल बाधा डाल रही थी। इसी धूल धक्कड़ में यात्रा आगे बढ़ रही थी, किंतु यात्रा के 10 मिनट में ही वापस तीर्थहल्ली जाने की बात भी सोचने लगे थे, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा थी। लेकिन हमारे मित्र और कार चलाने वाले विश्व ने हमारी स्थिति को समझकर यात्रा को कुछ रोमांचकारी बनाने के लिए हमारे आगे जाने वाली कार को भी धूल का मजा चखाने के इरादे से पुरानी फोर्ड कार से ओवरटेक करना शुरू कर दिया। हमसे आगे चलने वाली गाड़ी नई थी, हमारी गाड़ी से दुगना हॉर्स पावर थी उसमें। उसे हरा पाना आसान नहीं था, लेकिन विश्वनाथ ने तुरंत समझ लिया कि उस कार चालक के लिए यह रास्ता बिल्कुल नया है और उन्होंने जैसे ही आगे वाली कार को मोड़ पर पहुंची, तेज हॉर्न बजाकर उसे डरा दिया और स्वयं आगे निकल गए और बड़े खुश हुए कि कितनी धूल उन्हें खिला दी कि अब वे 10 दिन तक भोजन ही नहीं करेंगे। तभी मेरे मित्र अरसु ने मेरे हाथ को छूकर कहा, तुमने उस कार में बैठे आदमी को देखा? मैंने सरलता से कहा, अरे इस धूल में मैं कुछ देख नहीं पाया, कौन था उसमें? अरसु ने मुझसे कहा, अरे बुद्धू, भगवान ने इस धूल भरे रास्ते में आंखों को ठंडक देने के लिए उस कार को भेजा था। उसमें एक अपूर्व सुंदरी को भगवान ने बैठाया था और तुमने यह मौका जाने दिया। तुम जैसा बुद्धू कोई है? मुझ पर अरसु ने तरस खाते हुए कहा। तो विश्वनाथ ने भी कहा, सचमुच ब्यूटीफुल व्यूमन सर। आने सभी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। बस फिर क्या था, सुंदरी और उसके रूप लावण्य पर खूब चर्चा होने लगी। तभी वेंकट श्याम ने कहा कि रास्ते में कार खराब हो जाए तब सबकी किस्मत खुल जाएगी, सब लोग उसे देख पाएंगे। बस सभी उसी चर्चा में डूबे थे कि हिंदी पंडित ने सभी को उलाहना देते हुए कहा कि आज के लोगों में पाप करने का डर ही नहीं बचा, सभी लोग भोग विलास में डूबा रहना चाहते हैं। भूल जाते हैं कि यह भोग विलास उसी प्रकार है जिस प्रकार पशु को बलि देने से पहले हरी घास खिलाते हैं और बाद में उसे काट दिया जाता है, वैसे ही पाप कर्म के आनंद क्षणिक होते हैं, थोड़े देर के लिए होते हैं, बाद में कठिन परिणाम भुगतना पड़ता है। यह इसलिए उन्होंने कहा कि सभी उस रूपवती महिला पर छींटाकशी कर रहे थे और वह उन्हें बहुत असभ्य लग रहा था। लेकिन मनप्पा ने पंडित जी के जवाब में कहा कि नहीं, हम तो भविष्य की चिंता नहीं करते, आज का सुख आज ही उठाते हैं। मरने के बाद मिलने वाली अप्सरा और अमृत
अगर जीते जी मिल जाए तो क्या बुरा है। अरसो ने कहा, अगर कार में बैठी महिला स्वयं ही हमसे आंखें चार करे तो क्या करेंगे, मजा लेंगे या मर जाएंगे। पंडित जी को यह दिल लगी की बातें सुनने से भी पाप लग रहा था। उन्होंने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। इधर कार चलाने वाले विश्वनाथ आगे वाली कार को खूब मजा चखा रहे थे, खूब नचा रहे थे, बार बार धूल चखा रहे थे, ना ही उन्हें आगे जाने दे रहे थे। मुझे यह सब देखकर सहन नहीं हुआ। मैंने विश्वनाथ से कहा, जाने दो विश्वनाथ, उन्हें रास्ता दे दो, हमें तो आगुम्बे तक ही जाना है, घाटी में अंधेरा हो रहा है, उन्हें तो आगे जाना होगा। लेकिन सभी मस्ती के मूड में थे, मेरी एक न सुनी। मैंने भी बात का विषय बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन फ़ायदा कुछ न हुआ। फिर हम रास्ते के किनारे के होटल में कॉफ़ी पीने के लिए रुके, तब वह पीछे वाली कार जिसमें सुंदरी बैठी थी बिजली की गति से आगे निकल गई, तो मैंने उसे देखा, वह हमें जलती आँखों से गुस्से में देख रही थी। मैंने फिर विश्वनाथ को उलाहना की कि ऐसे तंग नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका भी सबने खूब मजाक उड़ाया। मैंने बात को वहीं खत्म करना उचित समझा। शाम होते हम आगुम्बे के सूर्यास्त का दृश्य देखने उस चबूतरे पर पहुँचे तो सौंदर्य देखकर मैं धन्य हो गया। रास्ते के प्राकृतिक सौंदर्य से कहीं अधिक बढ़कर आगुम्बे के सूर्यास्त का सौंदर्य था। उतार और उसके मोड़ वाले रास्ते पर जब कार चलती तो लगता मानो कार लट्टू के समान या भंवरे के समान घूम रही हो। उतार वाले ढालू प्रदेश का सौंदर्य हृदय में भय पैदा करता था, डर पैदा करता था। सुंदर दृश्य होकर भी डरावना लग रहा था। जब हजारों फुट गहरी खाई के पास कार घूम कर जाने लगी, तब अरसु ने कहा, जीवन मरण, आनंद आंसू, सौंदर्य पुरोपता, इतना ही तो अंतर है, कितनी समीपता है दोनों में। अरसु की यह बात सुनकर लेखक कहते हैं कि मेरा मन घबरा गया। तभी विश्वनाथ ने कहा, देखो सोमेश्वर आ गया। विश्वनाथ ने जिस ओर उंगली का इशारा करके सोमेश्वर दिखाया, मैंने देखा सोमेश्वर के रास्ते पर भीड़ जमा थी, कुछ आवाज़ें आ रही थी, हलचल मची थी। विश्वनाथ ने उस ओर बढ़ते हुए कहा, लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया है। दृश्य देखते ही सिर चकरा गया। घाटी से उतरने वाली कार मील के पत्थर से टकरा कर बुरी तरह टूट फूट गई थी। उसमें बैठे लोग दूर छिटक कर बहुत दूर जाकर गिरे थे। शरीर जख्मी हो गया था, खून से लथपथ थी दो लाशें। इन्हें देखकर विश्वनाथ ने कहा, वही कार, वही लोग, ये वही लोग हैं जिन्हें हमने रास्ते में परेशान किया था। नई नवेली कार चकनाचूर हो गई थी और रूपवती का लावण्य भयावह रूप में बदल गया था। ओह, कितनी भयानक मृत्यु है, मनप्पा ने कहा। यह मृत्यु नहीं, हत्या है, विश्वनाथ ने कहा। मैंने उसे रास्ते में परेशान किया था, पंडित जी ने कड़ी डांट लगाई, चूमने जैसे होंठ कह रहे थे, जाओ अब चूमो। अरसु ने अब भी अपनी गलती नहीं स्वीकार की और इस दुर्घटना के लिए विधाता को जिम्मेदार कहने लगा। लेखक कहते हैं कि इस सुंदर प्राकृतिक दृश्य का आनंद जो मैं अब तक ले रहा था, इस दुर्घटना के बाद वह सौंदर्य कराल दैत्य के समान लगने लगा। सब कुछ वही था, लेकिन सबका रूप बदल गया था। वह चेहरा जो सुंदरता की मूर्त था, लेकिन दुर्घटना के बाद कुरूप हो गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस यात्रा वर्णन को जो लेखक ने कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है, उसका दुखांत होता है कि यात्री किस प्रकार अन्य यात्रियों को परेशान करते हैं और उसके दुष्परिणाम की चिंता किए बगैर अपने क्षणिक आनंद के लिए दूसरों को परेशान करते रहते हैं। आइए अब हम इसकी विशेषता देखते हैं, जो इस प्रकार है कि लेखक ने आगुम्बे के प्राकृतिक सौंदर्य का इतना सुंदर वर्णन किया है कि हर पाठक के मन में वहाँ जाने की इच्छा एक बार तो पैदा हो ही जाती है, लेकिन दुर्घटना के कारण उनकी मनस्थिति बदल जाती है, जीवन की सच्चाई से आमना सामना हो जाता है। सतर्कता केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रखना चाहिए। शायद सुंदर स्त्री की कार को परेशान नहीं किया होता तो उसकी यात्रा सरल और दबाव मुक्त होकर दुर्घटना से बच सकती थी।
और दूसरा विशेष संदेश यह है कि स्त्रियों के प्रति सम्मान के भाव मन में होना चाहिए। महिलाएं मनोरंजन का साधन नहीं हैं। जिस तरह हम अपने घर परिवार की महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए कि हर अनजान महिला किसी की बेटी, बहन, माँ, पत्नी और गृहलक्ष्मी है। दूसरों के प्रति किया जाने वाला व्यवहार हमारा चरित्र उजागर करता है, इसलिए हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अगर हम किसी के कुछ काम ना आ सके तो कम से कम उसके जीवन की बाधा हमें नहीं बनना है। इस प्रकार इस कहानी की सारांश और विशेषता पूरी होती है। अब हम छात्रों पाठ्य सामग्री के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है। प्रश्न एक, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए जिसके अंतर्गत आपको पूरी किताब में से अलग अलग पाठों में से ऐसे प्रश्न तैयार करके दिए जाते हैं जिनके उत्तर आपको एक शब्द वाक्य या वाक्यांश में लिखना होता है और आपको उत्तर भी वैसा ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पाठ पर आधारित एक अंकीय प्रश्न यहाँ पर कुछ उत्तर के साथ तैयार किए गए हैं। तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं वह आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहायता करने के साथ साथ पाठ का सारांश समझने और उत्तर लिखने में भी आपकी सहायता करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, प्रश्न पत्र में सहसंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी आपको पूरे किताब में से अलग अलग पाठों में से तीन प्रश्न दिए जाएंगे सहसंदर्भ व्याख्या करने के लिए, जिसमें से आपको दो के उत्तर लिखना है जो सात सात अंक के लिए दो प्रश्न होंगे, टोटल होगा 14 मार्क्स का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सहसंदर्भ व्याख्या लिखने का फॉर्मेट क्या है, प्रारूप क्या है, आप इसका अनुसरण कर सकते हैं कि पहला होता है संकेत जिसमें आपको लिखना होता है कि आप तीन में से कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं संकेत किस प्रकार लिखा गया है। उसके बाद होता है प्रसंग, प्रसंग में आप लिखेंगे कि जो पंक्तियों का अर्थ आप लिख रहे हैं वह हमारी किताब में से, किताब का नाम लिखेंगे, उसमें संकलित पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे से ली गई है। उसके बाद आता है संदर्भ, तो यह पंक्तियाँ किस संदर्भ में कौन किससे कह रहा है या लिखा जाएगा। और उसके बाद आता है व्याख्या, तो व्याख्या में आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे कि जो पंक्तियों का आप उत्तर लिख रहे हैं उसका अर्थ आप क्या समझते हैं और उसे समझाकर आप विस्तार पूर्वक 6 से 7 लाइनों में लिखेंगे। उसके बाद अगला बिंदु आता है विशेषता, तो विशेषता में आप लिखेंगे कि जो पंक्तियाँ जो पाठ है उससे आपको क्या संदेश मिलता है और लेखक ने क्या संदेश दिया है और आपको क्या सीख मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो प्रश्न, पहला दूसरा पूरा हुआ। अब तीसरा प्रश्न आता है कि कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यह प्रश्न भी आपको दो प्रश्न में से एक प्रश्न करना होगा। इसका फॉर्मेट आप, इसका उत्तर के लिए आप वीडियो के पहले भाग का सारांश लिख सकते हैं और फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखेंगे शीर्षक, उसके बाद लेखक परिचय। लेखक परिचय आप डिस्क्रिप्शन में देख, लेखक परिचय आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे सारांश और फिर विशेषता। तो सारांश और विशेषता आप वीडियो के पहले भाग से सहायता ले सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है, टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए भी ऐसे ही आपको दो शीर्षक दे दिए जाएंगे, दो में से एक के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना होगी जो होगा 5 अंक के लिए एक प्रश्न। तो इसमें भी आपको शीर्षक लिखना है और दूसरे पैरा और उसके बाद आपको उस शीर्षक का परिचय देना है कि यह शीर्षक कहाँ से आया। उसमें आप किताब का नाम लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे तथा एक लाइन में परिचय देंगे कि यह जो भी शीर्षक है वह कहानी का मुख्य पात्र है, सहपात्र है, कोई स्थान है, कोई घटना है, ये आप लिखेंगे। और उसके बाद टिप्पणी में 5 से 7 लाइनों में आप टिप्पणी तैयार करके 5 से 7 लाइनों में आप टिप्पणी लिखेंगे।
क्योंकि यहाँ पर आपको कितने अंक का प्रश्न है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टिप्पणी लिखने के लिए जो प्रश्न दिया जाता है उस पर हमारे पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन टिप्पणी में बहुत कुछ नहीं लिखना है, उन जितनी भी जानकारियाँ हैं उसको कम शब्दों में लिखना होता है। और दूसरी बात ये कि 5 अंक के लिए है, तो यही प्रयास करना है कि गागर में सागर भर दें और बहुत अच्छा उत्तर लिखकर अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इस प्रकार यह पाठ्य सामग्री इस पाठ की यहाँ पूरी होती है, और जल्द ही हम अब अगले पाठ की पाठ्य सामग्री लेकर उपस्थित होंगे।